का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी पांच बड़ी खबरों पर। तो इसमें आपको सबसे पहले हम जानकारी दे दें कि कैसी स्थिति रहेगी ओडिशा में। तो यहां पर इक्का दुक्का इलाकों में बरसात का अनुमान है, कुछ क्षेत्रों में यहां पर बरसात हो सकती है। आगे आपको जानकारी दे दें कि नागालैंड में भी छुटपुट हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, कुछ यहां भी ऐसे हिस्से होंगे जहां पर बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो गिनी चुनी जगहों पर यहां पर भी बरसात की संभावना है। अगली खबर जो जुड़ी हुई है वो केरल से जुड़ी हुई है, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। और पांचवी खबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई है, जहां पर बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी पांच बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन क्षेत्रों को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कहां नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, कहां पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें यहां पर आप देख रहे हैं कि ज्यादातर क्षेत्र हरे रंग में, यानी कोई ज़्यादा चेतावनी देश के हिस्सों को लेकर नहीं है। सिर्फ अगर हम केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नज़र डालें तो यहाँ पर सिर्फ नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है, यानी थोड़ी सावधानी ज़रूर बरते क्योंकि केरल में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकते हैं और ऐसे ही हालात तेज़ हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम विस्तार से बताते हैं कि देश के किन हिस्सों में बारिश होने की और कितनी बारिश होने की संभावना है, यानी अधिक बारिश होने की संभावना है या फिर कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश होगी। फिलहाल आप देख रहे हैं, अगर हम शुरुआत करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहां तक उत्तराखंड, कहीं पर भी फिलहाल अगले 24 घंटों में बारिश की कोई स्थिति बनती नज़र नहीं आ रही है, यानी यहाँ पर बारिश नहीं होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं पर भी बारिश की कोई स्थिति नहीं है। और ऐसे ही हालात उत्तराखंड में भी है, आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं पर भी बारिश की कोई स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और साथ ही सिक्किम में कहीं कहीं कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, यहाँ पर भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले केरल के बारे में आपको बताया तो अनेक जगहों पर यहां पर बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि तेज हवाएं भी यहां पर चलने की संभावना, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा भी बारिश होगी। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो कई जगहों पर बरसात हो सकती है, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन पूरे मध्य भारत में फिलहाल बारिश की कोई स्थिति नहीं बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, साथ ही अगर हम मराठवाड़ा की बात करें और राजस्थान, गुजरात, कहीं पर भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। आइए बात करते हैं मौसम की चाल के लिए पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही। शुरुआत यहाँ से हम करते हैं उत्तराखंड के साथ, जहाँ पर कुछ एक स्थानों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सब जगहों पर बारिश रही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। वहीं अगर हम ओडिशा की ओर रुख करें तो यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी दक्षिण कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऐसे हालात रहे और लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल कैसी रही, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, इसमें और आगे बढ़ते हैं और मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा,
सभी जगह पर आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में कहीं ना कहीं बारिश ज़रूर हुई है, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम। तो ये था पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मौसम खबर। और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान कहां सामान्य से ज़्यादा रहा, कहां कम रहा। ऐसे हम न्यूनतम तापमान के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से, जिसमें अगर हम जम्मू कश्मीर और साथ ही अगर लद्दाख हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा, यानी सामान्य तौर पर जो तापमान यहाँ पर होना चाहिए उससे इतनी इसमें कमी दर्ज की गई है। वहीं अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो नीचे लुढ़का है। नज़र डालते हैं कैसी स्थिति रही तेलंगाना, भीती उत्तर कर्नाटक में, तो यहाँ पर हालांकि तापमान में इजाफा है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आप देख सकते हैं तेलंगाना और भीती उत्तर कर्नाटक में तापमान ज़्यादा रहा है। नज़र डालते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। तो दक्षिण के राज्यों में आप देख रहे हैं कि सामान्य से अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि राजकोट में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात ही अधिकतम तापमान की। अब नज़र डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, जिसमें सबसे पहले अगर हम झारखंड की बात करें, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, सामान्य से ज़्यादा रहा है झारखंड में ये स्थिति रही। लेकिन वहीं अगर हम छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, गुजरात, पूर्वी राजस्थान और कोंकण गोवा पर नज़र डालें, तो यहाँ पर भी यही स्थिति दर्ज की गई तापमान के हिसाब से। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा दर्ज किया गया है। आइए आपको जानकारी देते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र की, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश ये तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पर न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें, तो हरियाणा के हिसार में आप देख रहे हैं 15.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, आइए डालते हैं उस पर नज़र। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी यानी वहाँ की हवा की स्थिति कैसी रही, सामान्य रही, संतोषजनक या फिर बिगड़ी। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से यहाँ की जो एयर क्वालिटी है संतोषजनक स्थिति में बनी हुई, 111 दर्ज की गई। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 156 है, ये भी फिलहाल संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। आगे आपको जानकारी देते हैं कि कैसी स्थिति रही एयर क्वालिटी की पटना में। तो पटना में आप देख रहे हैं कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। 385 यहाँ की एयर क्वालिटी है जो कि काफ़ी ख़राब है, ख़राब की स्थिति में नज़र आ रही है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ की एयर क्वालिटी 138 है, फिलहाल ये भी संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। आगे आपको जानकारी देते हैं पुणे के बारे में, तो 171 है, फिलहाल संतोषजनक स्थिति में है, लेकिन पहले से यहाँ की भी एयर क्वालिटी में थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है। नज़र डालते हैं हैदराबाद पर, तो 141 है यहाँ की एयर क्वालिटी और ये भी फिलहाल संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। आगे आपको जानकारी देते हैं कि कैसी स्थिति रही कोलकाता की। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि थोड़ी ख़राब से और ख़राब हो गई है। ख़राब यहाँ पर 342 है कोलकाता की एयर क्वालिटी, जो कि फ़िलहाल काफ़ी देख सकते हैं चिंताजनक स्थिति में है। इसी तरीके से मुंबई की भी आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी में काफ़ी गिरावट आ गई है, 326 है। और वहीं अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ की एयर क्वालिटी 89 है, जो आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति यहाँ पर देश के विभिन्न हिस्सों में एयर क्वालिटी की बनी हुई है। और आगे आप जानकारी देते हैं आपको पर्यटक स्थलों के पूर्वानुमान की, और यहाँ पर देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा रह सकता है तापमान, मौसम की स्थिति क्या रह सकती है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। शुक्रवार शनिवार को यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा। रविवार को थोड़े बादल छा सकते हैं, लेकिन सोमवार आते आते फिर से यहाँ पर मौसम की स्थिति सुधर सकती है, क्लियर स्काई रहने की संभावना है। हालांकि तापमान में धीरे धीरे इसमें गिरावट आप देख रहे हैं कि आ रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अगले दो दिन यहां पर मौसम के लिहाज से साफ रहेंगे, चटक धूप रहेगी, तापमान में 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन रविवार सोमवार तक तापमान में 1 डिग्री से और इजाफा होगा, लेकिन मौसम बिगड़ सकता है, उतना साफ मौसम नहीं रहेगा। शनिवार को जहां आप देख रहे हैं बारिश की संभावना बन रही है, वहीं सोमवार को भी बादल छाए रह सकते हैं, यानी रविवार को बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, तो यहां आप देख सकते हैं कि शुक्रवार शनिवार रविवार तीनों ही दिन यहां पर क्लियर स्काई है, काफ़ी चटक मौसम रहने वाला है। तापमान 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, सोमवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ही रह सकता है, लेकिन सोमवार को आप देख रहे हैं कि मौसम साफ यहाँ पर नहीं है। और अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शुक्रवार को 19 डिग्री सेल्सियस है, उसके अगले तीन दिन 20 डिग्री सेल्सियस। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शुक्रवार को जहाँ पर बारिश होने की संभावना है, शनिवार को भी मौसम पूरी तरीके से साफ नहीं होगा, पार्शियल क्लाउडी हो सकता है, लेकिन रविवार और सोमवार को यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम रहने वाला है। तापमान में सिर्फ आप देख रहे हैं शुक्रवार को जहाँ पर 1 डिग्री से कम है अन्य दिनों के मुकाबले, 20 डिग्री रह सकता है, उसके बाद तीनों ही दिन अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर
फिक्स रहेगा। नागालैंड के कोहिमा की बात करें तो चारों ही दिन आप देख रहे हैं मौसम बिल्कुल एक जैसा ही है। अधिकतम तापमान भी पहले तीन दिन 21 डिग्री सेल्सियस है और उसके बाद सोमवार को 20 डिग्री सेल्सियस। चारों ही दिन काफ़ी यहां पर धूप रहने वाली है, क्लियर स्काई रहेगा यानी मौसम साफ रहेगा, बादल छाने की या फिर बारिश होने की फिलहाल यहाँ पर अगले चार दिनों में कोई संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान पहले दो दिन 14 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की, तो पहले दो दिन आप देख रहे हैं कि मौसम के लिहाज से यहाँ पर साफ नहीं है, थोड़ा मिस्ट भी रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और रविवार और सोमवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। और इसी के साथ ही तापमान में भी आप देख रहे हैं कि गिरावट है, सोमवार आते आते अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले चार दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। केरल के कोट्टयम की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया था मौसम अलर्ट में भी और पांच बड़ी खबरों में कि केरल में फिलहाल बारिश की संभावना बनी हुई है। चारों ही दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बारिश है और कुछ एक जगहों पर मूसलाधार बारिश यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो सकती है, तेज़ हवाएँ भी इसके साथ चलने की फिलहाल स्थिति नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं पहले दिन 24 है लेकिन उसके बाद 23 डिग्री सेल्सियस पर ही बना रहेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, जो कि एक काफ़ी लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ भी शुक्रवार को अगर देख सकते हैं बादल छाए रह सकते हैं यानी पार्शली क्लाउडी रहेगा, धूप ही रहेगी, लेकिन रविवार और सोमवार को यहाँ पर फॉग और मिस्ट वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तापमान भी आप देख रहे हैं कि अगले तीन दिन एक डिग्री से गिरावट है, 27 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा और तीनों ही दिन 26 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान कॉन्स्टेंट रहेगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शुक्रवार शनिवार रविवार यानी चारों ही दिन मौसम साफ नहीं है, कहीं कहीं मिस्ट की भी संभावना बनती नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से शुक्रवार को, उसके अगले तीन दिन 33 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बना रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 20 से 21 डिग्री सेल्सियस पर ही अगले तीनों दिन, यहां तीन से चार दिन ऐसी स्थिति बनी रहेगी न्यूनतम तापमान की। राजस्थान के जोधपुर अगर जाने की आप सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यहां पर शुक्रवार और शनिवार को काफी चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और आपको थोड़ी गर्मी भी महसूस हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है शनिवार को। वहीं रविवार की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान बढ़ सकता है लेकिन सोमवार आते आते फिर से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। रविवार और सोमवार को मौसम साफ पूरी तरह से नहीं रहेगा। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों को लेकर राज्यों में किस तरह की फसलें किसान लेते हैं और वहाँ के किसान मौसम के अनुरूप सीजन के अनुरूप कौन कौन सी कृषि क्रियाओं का ध्यान रखें, विशेषज्ञों की सलाह क्या कहती है, इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे असम और मेघालय की, वहाँ के किसानों के लिए क्या सलाह, आइए देखते हैं। असम में फूलगोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करें, किसान बैगन की रुपाई कर सकते हैं। यहां आलू की खेती के लिए खेत तैयार कर लें, आलू के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें, साथ ही मक्के की बुआई करते रहें। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा सरसों की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अभी किसान धान के खेत में निराई करें, धान के खेत में ही जरूरी उर्वरक डालें। असम में नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं के किसान बीन की खेती के लिए खेत तैयार कर लें, इसके साथ ही कद्दू की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह तिल और लोबिया की बुआई करें। मेघालय में हल्दी और अदरक के खेत में निराई करें, हल्दी और अदरक के खेत में जल निकासी की व्यवस्था कर लें, साथ ही बीन के खेत में निराई कर सकते हैं। बीन के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करते रहें। इस समय पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर लें, वहीं ब्रोकली की भी नर्सरी तैयार करते रहें। यहां के किसान स्ट्रॉबेरी की रोपाई करें, इसके साथ ही अनानास की कटाई कर सकते हैं। अनानास के खेत में निराई भी कर लें, अनानास के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। मेघालय में अमरूद की तुड़ाई करें, किसान धान के खेत की निराई करते रहें। अभी धान के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। और ये बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे गाजर के बारे में। जी हाँ, गाजर की बात करें तो ये अपने पोषक तत्वों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है, किसानों की आय में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये मौसम गाजर की खेती के लिए उपयुक्त है। ऐसे में गाजर की कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं, बुआई करते हुए किन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर नज़र। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है।
जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। एक हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय एक हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करे। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बड़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आद्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूट कर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको गाजर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इस QR कोड को स्कैन कर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।